फ्रेंड्स कैसे सभी वेलकम इन लखराजो इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स बिफोर स्टार्ट वीडियो आई वुड लाइक टू से थैंक्स मिस्टर शुभम श्रीवास्तव। एक्चुअली ही वर्क्स इन सेंट्रल बैंक एंड ही नोस थ्रू अबाउट माय चैनल दैट सर आप जो है स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई बेहतर प्लेलिस्ट बना करके वीडियोस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो मैं क्यों ना उनके बातों को कमेंट्स को एज अ रिकमेंडेड लिया और सोचा मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से एक मैसेज रखूं और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि अब जो है इम्प्रूवमेंट इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यानी हमारा जो क्लास है हमारा जो चैनल है एक कम से कम 300-350 प्लस वीडियोज बनाए जाएंगे इस पे प्रॉपर। यानी स्पोकन बेस्ड जितने भी आपको ट्रांसलेशन और साथ ही दोस्तों वर्ड्स सेकुलरिज्म सभी चीज से आपको रूबरू कराया जाएगा। यानी अब जो है इसके लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। हम जितने भी आप वोकैब्स जितने भी आप टर्म्स जितने भी आप जो है दोस्तों कन्वर्सेशन देखते हैं इन सभी को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और न्यू प्लेलिस्ट बना करके पुनः मैं आपको इस मैसेज से रूबरू करना चाहता हूं। और हाँ दोस्तों साथ में ये भी बता दूं कि बहुत सारे आप देखे होंगे 3-4 प्लेलिस्ट हमारा बन चुका है। आप इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि वो प्लेलिस्ट स्टॉप रहेंगे। सॉरी मैं बता दूं कि आप निश्चित रूप से रहिए एकदम विदाउट एनी डोंट वरी। मैं बता दूं कि वो भी प्लेलिस्ट कंटिन्यू डे बाय डे आपको वीडियो उसको अपलोड किए जाएंगे और साथ ही दोस्तों इस पे भी जो है जो प्रॉपर बेस्ड ऑन स्पोकन इंग्लिश वीडियोस बनाए जाएंगे ये भी न्यू प्लेलिस्ट के माध्यम से बनाए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं न्यू प्लेलिस्ट के नाम आप अगर सर्च कीजिएगा तो परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों ट्रांसलेशन से तात्पर्य हमारा ये होगा कि जितनी भी हिंदी वाक्य हम अपने आसपास देखते हैं साथ में पढ़ते हैं उसे हम क्यों ना एज अ एकेडमी उसे इंग्लिश ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश करने का प्रयास करें। बस यही तो है हमारा स्पोकन। जब आप किसी बात को हिंदी में रखते हैं और आप उसे अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपका माइंड जो है ट्रांसलेशन बेसिस पे जाता है। और क्यों ना हम इसे ओपन करें ट्रांसलेशन बेसिस को समझें और कम से कम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने रखे जाए ताकि आप उस वीडियोस को देखें और आप अपने स्पोकन को बेहतर कर सके और इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सके। तो मैं बता दूं दोस्तों जो नया प्लेलिस्ट होगा परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें टोटल 350 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। ये क्लास चलते रहेगा डे बाय डे। मैं बता दूं डे बाय डे आपका क्लास चलते रहेगा उसमें लगभग 350 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे जो नए स्पेशली प्रॉपर बेस्ड ऑन स्पोकन। ठीक है बेस्ड ऑन प्रॉपर स्पोकन के तौर पे वो वीडियोस आपको अपलोड किए जाएंगे। मैं बता दूं दोस्तों वो पार्ट 4 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 यानी 4 पार्ट में आपको जो है वीडियोस दिए जाएंगे। और कैसे दिए जाएंगे जस्ट आई विल शेयर। मैं बता दूं पार्ट 1 पे अगर आप जाते हैं पार्ट 1 पे जाते हैं तो कम से कम आपको 175 एक्सरसाइज कराए जाएंगे। यानी ये एक्सरसाइज प्रॉपर बेस्ड आप मैं बता दूं कि प्रॉपर बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन वॉइस नरेशन इस तरह के तथ्यों से जुड़ा होगा। साथ में दोस्तों नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जितने भी शब्द हैं इनको मैं एज अ सेंटेंस बना करके एज ए स्पोकन तौर पे आपके सामने रखूंगा ताकि आप इसे बेहतर समझ सके। और जब सेकेंड पार्ट मेरा चालू होगा स्टार्ट होगा तो उसमें कम से कम 86 एक्सरसाइज कराए जाएंगे। 86 यानी वो ट्रांसलेशन होगा दोस्तों स्पेशली मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन बेस्ड होगा और ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे सिमिलैरिटी वर्ड्स होंगे उससे रिलेटेड हमारा ट्रांसलेशन होगा और आप ट्रांसलेशन को अच्छे सीख पाए। जैसे आई जस्ट गिव यू एग्जांपल आई स्टैंड बिहाइंड ट्रीज या इनसाइड ट्रीज इस तरह के पजल्स को हम समझाएंगे बनाएंगे। ठीक है आई विल गो टू स्कूल अदरवाइज आई विल जस्ट टू जम्प इन टू दिस वे इस तरह के तथ्यों को प्रीपोजिशन टर्म्स को हम लोग एज अ वाक्य एज अ ट्रांसलेशन बना करके एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज आपको वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे ताकि आप दोस्तों अपने स्पोकन में इंप्रूवमेंट ला सके। थर्ड जो पार्ट होगा वो मुहावरे और कहावती यानी प्रोवर्ब्स जैसे तथ्यों से जुड़ा होगा। वो ट्रांसलेशन सभी मुहावरे कहावते से जुड़ा होगी जैसे जस्ट यू गिव यू एनी एडवाइस जहां चाह वहां रहा देयर इज व्हील देयर इज वे समथिंग इस तरह के जो है आपका जो है ट्रांसलेशन बनाए जाएंगे ताकि आप वहां बेहतर से समझ सके।
और जो पार्ट थर्ड होगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आप इसका प्रॉपर जब जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जब वीडियोस देखें तो इसे आप टैली करके मैच करके एंजॉय के साथ पढ़ते रहें। तो मैं बता दूं जो पार्ट फोर होगा वो बे पैसेज या कन्वर्सेशन, इस पे ध्यान दीजिएगा, पैसेज या कन्वर्सेशन यानी जो ट्रांसलेशन दिए जाएंगे एज अ स्टेटमेंट दिया जाएंगे, ठीक है। जैसे आप कभी अकेडमी में पढ़ोगे लिखा होगा कि डॉक्टर ने कहा आपको सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर से आपको सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, यू शुड टू एक्सरसाइज मॉर्निंग एंड इवनिंग, इस तरह के तथ्यों को हम वहां पर समझेंगे एज ए स्टेटमेंट ताकि आप अपने इंप्रूवमेंट में अच्छा सा लय ला सके, अच्छा सा टारगेट पढ़ सके। तो इस तरह का जो तथ्य होगा पार्ट फोर आपके सामने वीडियो बनाए जाएंगे, और मैं बार बार बोलता हूं लगभग 350 वीडियोस इस न्यू प्लेलिस्ट परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन पर अपलोड किए जाएंगे। एक और चीज दोस्तों मैं शेयर कर दूं आपसे, जो पार्ट फोर होगा इसमें और बहुत सारे टर्म्स दिए जाएंगे यानी सेंटेंस और वोकैब्स, इन दोनों चीजों पे आपका स्टेटमेंट होगा, यानी जितने भी आप स्टेटमेंट पढ़िएगा और आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा तो सेंटेंस और वोकैब्स से काफी सिमिलैरिटी होंगे। यानी अब सवाल आता है कि आप वोकैब्स कहां से पढ़े, दोस्तों डोंट वरी, मेरे चैनल के माध्यम से एसी हार्डवी का सोल्यूशन जो है प्रॉपर कम, आप देखिएगा कम मिनट में लगभग 20-22 मीनिंग हम लोग जो है कहानी के माध्यम से सीखते हैं, यानी वहां भी कम से कम दोस्तों 500 वर्ड शेयर कर दिए गए हैं, 500 प्लस वर्ड आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, आप वहां जाइए, वहां वोकैब्स बहुत सारा स्टोरी बेसिस है, वहां से भी एसटीआरडी का सोल्यूशन पढ़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसके लिए एक और फैक्ट मैं शेयर कर दूं कि न्यू मैं दोबारा जो है उसके साथ साथ एक सिमिलैरिटी में न्यू नोट्स ऑन वर्ड्स, इस पे ध्यान दीजिएगा, नोट्स ऑन वर्ड्स शब्द, ऐसे शब्द जो आपके एग्जाम में जो है विभिन्नता है या डाइवर्सिटी शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, मैं बोला कि रैट किसे कहते हैं और माउस किसे कहते हैं, तो आप सोच रहे हैं, टाइप टू रिप्लाई में जवाब देने का प्रयास कीजिए, रैट उसे कहते हैं जो बड़ा चूहा होता है और माउस किसे कहते हैं दोस्तों जो छोटा चूहा होता है। तो इन सभी चीजों को जो काफी प्रॉपर बेसिक्स होते हैं जो हमारे सिमिलैरिटी को मैनेज करते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही मैं बता दूं कि आप जितना वर्ड्स को कैप्चर कीजिएगा आप उसी तरह अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाइएगा, जैसे नोट्स ऑन वर्ड्स से बहुत सारे शब्द मिलेंगे, जैसे मान लीजिए ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड फ्लाईओवर, तो आई विल से मैं बता दूं कि ब्रिज वो होता है जो नदी के ऊपर से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जैसे गंगा सेतु ब्रिज आप देखते हैं नहीं, उसके बाद अगर फ्लाईओवर क्या होता है जो रोड के सड़कों के ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जाता है, वो भी एक तरह का हाईएस्ट ऊंचाई जाने वाला एक रूट्स होता है लेकिन उसको हम वो सड़क के ऊपर से बनाया जाता है इसलिए उसको फ्लाईओवर कहते हैं। यानी ऐसे ऐसे तथ्य आपको न्यू प्लेलिस्ट नोट्स ऑन वर्ड्स के नाम से उसमें शेयर किए जाएंगे और आप वहां पर भी जाकर के फैक्ट ऑफ इंग्लिश सीख सकते हैं और आप दोस्तों अपने इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। चलिए तो ये था कहानी और ये कहानी का अभी जो है रियल फैक्ट आई विल शेयर कि हम न्यू वीडियो में माध्यम से आपको शेयर करते रहेंगे। चलिए दोस्तों बने रहने के लिए धन्यवाद और आई रिक्वेस्ट यू यार थोड़ा वीडियो शेयर करते रहो, सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहा है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।